Hello friends, if you are watching this video, it means you want to improve your English. Friends, today I am going to tell you how to think in English because there are so many people who are not able to think directly in English and always try to translate Hindi into English while talking. Friends, because of which they always struggle while speaking in front of others. In this video, I would like to tell you how to think in English. Suppose that you have to say something. जैसे आपको ये कहना है कि मैं गया, I went. तो आपको सीधा ही बोलना है या सोचना है, मैं गया आई वेंट आगरा, आई वेंट टू आगरा, देखने टू सी ताजमहल, द ताजमहल, फैमिली के साथ या दोस्तों के साथ विद फ्रेंड्स, रविवार को ऑन संडे लगभग 7 बजे एट अराउंड 7 o'clock ट्रेन से बाय द ट्रेन. तो इस तरीके से आपको इंग्लिश में सीधा बोलना है, सीधा सोचना है, ठीक है. अब जैसे मुझे कहना है कि मुझे आराम नहीं मिला, आई डिड नॉट गेट एनी रिलीफ, ठीक है. लेने के बाद आफ्टर टेकिंग, उपचार ट्रीटमेंट कई जगहों से, फ्रॉम मैनी प्लेसेस, फ्रॉम मैनी प्लेसेस, इसलिए सो या दैट्स वाई मुझे दिल्ली जाना पड़ा, आई हैड टू गो टू दिल्ली. तो इस तरीके से आपको इंग्लिश में सोचना है. अब जैसे मैं बोलूँ कि मैं चाहता हूँ, आई वॉन्टेड कमाना टू अर्न पैसे, मनी, जाकर बाई गोइंग दिल्ली, बाई गोइंग टू दिल्ली. तो इस तरीके से आपको इंग्लिश में बोलना है या सोचना है, ठीक है. आपको इस तरीके से ही इंग्लिश सोचनी है, मतलब सीधा सोचना है, सीधा बोलना है, ठीक है. दूसरा सेंटेंस मैं ले सकता हूँ, जैसे कि मैं गया, आई वेंट, या मैं जाने वाला हूँ, आई एम अबाउट टू गो, स्कूल टू स्कूल, मिलने टू मीट, प्रिंसिपल से टू मीट द प्रिंसिपल, अपने परिवार के साथ विद माई फैमिली, मंडे को ऑन मंडे 7 बजे 8 बजे, एट 7 o'clock, एट 8 o'clock, और कैसे, बाई मेट्रो, बाई कार. इस तरीके से आपको इंग्लिश में सोचना है, इस तरीके से आप इंग्लिश सोच सकते हैं, ठीक है. जैसे मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ कि मैं मिला या मैंने देखा, आई सॉ माई फ्रेंड और बस स्टैंड पर, एट द बस स्टैंड, जो कि था, हु वॉज द टॉपर था, हु वॉज द टॉपर, ठीक है, अपने स्कूल का, ऑफ हिज स्कूल, और कब, 1997 में, इन 1997 या 2003 या इन 2005 या 2018. तो इस तरीके से आपको इंग्लिश में सोचना है और इंग्लिश बोलनी है. उम्मीद है दोस्तों आपको ये कुछ हद तक समझ में आया होगा कि कैसे हम इंग्लिश में सोच सकते हैं.